एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम फिजा शेख और मैं यहाँ व्लॉगिंग करती हूँ। और अभी रात के बज रहे हैं 8 बज रहे हैं। और मैं अभी क्या करने वाली हूँ, आज मैंने एक ड्रामा ही नहीं देखा। ओह नो, मेरा ड्रामा वो मेरा ड्रामा था, वो मैं उस पर नेट पे देख लूँगी। आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग भी ड्रामाज देखते हैं कि नहीं देखते? मैं तो ज़रूर देखती हूँ। तो मैंने अपना ड्रामा मिस कर दिया आज। मुझे मालूम ही नहीं, याद ही नहीं रहा कि आज 8 बज चुके हैं। बिल्कुल टाइम का एहसास नहीं हुआ। और अभी थोड़ी देर पहले ही ईशा हुई है। और मुझे मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे मतलब कमेंट करके उन्होंने मुझे फरमाइश की। किस चीज़ की फरमाइश की? कि मैं आप लोगों के साथ अपनी जो नाइट रूटीन है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो नाइट हो चुकी है, 8 बज चुके हैं रात के, और मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। और नाइट रूटीन मेरी ये होती है, 7 बजे मेरा एक ड्रामा आता है, वो मैं ज़रूर मास्टली देखती हूँ। और उसके बाद जो है वो कुकिंग का टाइम होता है, और अभी मेरी कुकिंग का टाइम हो रहा है। और मैंने अभी रोटियां डालनी हैं, और मतलब डालनी नहीं है, सिर्फ पकानी भी है। वहाँ रख दो टेबल पे। और मतलब रोटियां डालनी नहीं है, पकानी भी है, कुकिंग भी करनी है। और उसके अलावा मुझे मीठा बनाना है। मुझे सेवैयाँ बनाने का ना बहुत दिल कर रहा था, तो वो भी मैं बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मतलब वो बहुत ज़्यादा पतली वाली, दूध वाली जो होती हैं, वो वाली नहीं बनानी है, बल्कि थोड़ी सी मैं आज ठीक रखूँगी, क्योंकि आज दूध कम है। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है कि जब कभी आपके पास मतलब ज़्यादा दूध नहीं होता है, तो आप उसमें क्वान्टिटी दूध की कम रखते हैं, लेकिन वो भी बहुत मज़े की सेवैयाँ बनती हैं। तो मैं अभी मीठा भी बनाऊँगी, और मतलब अभी ऐसे ही घर घर के लिए बनाना है। जब आप कुछ ख़ास अहतमाम करते हैं, जैसे ईद होती है उसमें शीर खुरमा बनाते हैं, तो वो वाला ऐसी बात नहीं है। बस अभी ऐसे ही घर में कुछ मीठा जैसे खाने को दिल करता है, तो बस आप सेवैयों का एक पैकेट मंगवा लें, थोड़ा सा दूध जो है घर में जो होता है वो उसमें डाल दें, और आपका मीठा जो है वो रेडी हो जाता है। सेवैयाँ जो है वो बनानी है, रोटियाँ डालनी हैं, और मछली है, मछली पे मसाला लगा के रखा हुआ है, उसको फ्राई करना है, और साथ में रायता बनाना है। ये मेरी अभी कुकिंग की रूटीन है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि सोने से पहले की, अभी जो विंटर स्टार्ट हो चुका है, उसकी मेरी क्या रूटीन है, उसमें मैं किस तरीके से अपनी जो विंटर है उसमें अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखती हूँ वो बताऊँगी। और आप लोग मेरे साथ रहिएगा। वाह वाह वाह, केले केले चिप्स। अच्छा, मैं आई कि चिप्स हैं कहा। वाओ, व्लॉग में दिखा। आपने मुझसे सीखा? उसकी लाई लैशेस तो बनाई नहीं। लेकिन ये बेबी है। पापा, ये देखिए गुड। खुर्रम को भूख लग रही है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि मुझे पूरा एक घंटा लग जाएगा, क्योंकि मैं साथ में व्लॉग भी बना रहा हूँ। गुड ऐसे होता है ना, बड़ों का गुड ऐसे। यहाँ मुँह बना के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कुकिंग के टाइम कौन व्लॉग बनाता है। देख लिया, दिखा कलरफुल है ना। ब्लू कलर इसमें कम है ना। बच्चों का गुड इस तरह से होता है, और वो देखो पापा का मुंह बना हुआ है। अब मैं जा रही हूँ रोटियाँ डालने, बाद में देखूंगी अब आपका। छोटा सा बैग आया था, फिर भाई को वो अच्छा लग गया था,
पापा ने हम दोनों को एक साथ ही ला के दे दिया था। जो हमारे पुराने वाले पापा थे वो बहुत पुराने हो गए थे, हमारे कभी अजीब सब लाइनें लगी वगैरह पड़ी हुई थी पैसों की, तो पापा ने आज हमें न्यू पाउच ला के दिए। हमारे की तो ज़्यादा चीज़ें होती हैं, मेरी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी, मेरे बस पेन होते हैं, पेंसिल होती है, उसके कलर भी होते हैं, मुझे कलर का इतना काम नहीं होता। वो देखो आज फिर वो आ गया, कोई बात नहीं। अच्छा दिखाना जरा ये कैसा है। अपने पेन से इस पे कुछ बना रही हूँ। वाओ अच्छा ये ऐसा है। इसमें मैं अपने कार्ड पे जो है वो कुछ लिख रही हूँ। अच्छा इस पे रख के लिख लो ना सही, ताकि मुड़े ना। ठीक है दिखा। हाँ दिखा। और क्या और क्या जरूरी थोड़ी पूरा वहीं पे लगाओ। मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पे रख लूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा लग रहा है आपका भी, और इसकी जिप कितनी अच्छी है, ये बॉयज वाला है पूरा। अच्छा है बहुत। ये जो है मैंने एक कार्टून की चीजें बनाई हैं, वो ये सब चीजें होती है, जो जो मेरी पसंद की चीज है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो है वो मेरी पेंटिंग है, और ये कैट मैंने ऐसे ही बना दिया है ड्राइंग के लिए, मेरे पास कोई भी पेट कैट नहीं है। तो उसमें ये एक छोटी सी लेडी बग होती है, छोटी सी लेकिन ये एक टिकी होती है, और ये जो है वो लेडी बग होती है, ये कोई भी कीड़ा नहीं होती, ये एक सुपर हीरो होती है, और ये जो है वो उसका यो-यो होता है, और वो जब ट्रांसफॉर्मिंग होती है तो उसका नाम होता है मैरीनेट, की स्पेलिंग होती है लेडी बग। सर जी मैं भाग रही हूँ किचन में, और अपने बाल हेयर जो हैं वो उसको टाइटली बंद कर रही हूँ। ग्लास दो मुझे उठा के वहाँ दो। नहीं दूध वाली नहीं होंगी, पापा बगैर दूध की कड़क सी बनाते हैं ना, आज बगैर दूध डालूंगी, मतलब वो वाली मैं खा के देख लेना, थोड़ी अलग है। ठीक है Thank you.
ये मैं आज खास इस दूध की नहीं, थोड़ी सी पानी की मिलावट की सेवैयाँ बना रही हूँ, क्योंकि आज दूध जो है वो घर में इतना ज़्यादा है नहीं, तो जो दूध है वो वाला उसको ही यूज़ करना है हमें, किफ़ायत शिवाली से उसको बनाना है और थोड़ा सा टेस्ट भी आना चाहिए, इसलिए हमें इसको थोड़ा एडजस्ट करना है। वाली नहीं बनेंगी यार, जैसे भी होंगे खा लेना, लेकिन मुझे तो ये बहुत फेवरेट है। चाहिए शेर तुम्हारे? नहीं, जैसे वही है खाली शेर तुम्हारा। तो मीठा मेरा तैयार हो चुका है और हल्की आंच पे मैंने इसको रख दिया है, थोड़ी देर में इसको बंद कर दूंगी और अब रोटियां डाल लेती हूँ मैं। कोई बात नहीं, वहाँ क्या हो रहा है? और ये जो है ये मैं मछली फ्राई कर रही हूँ, ठीक है, एक बड़ी मछली है और एक छोटी मछली है, लेकिन वहाँ पे और भी मछलियाँ हैं। ये एक छोटी एक बड़ी क्यों लाए, ये बताएं, कोई बड़ी है कोई छोटी है क्यों? नहीं नहीं, बस एक ही छोटी है, एक ही छोटी है, उनका साइज थोड़ा सही लग रहा है। ये भी होने वाली है। मुझे मछली बनने में थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सोचा आप लोगों को कुछ दिखा दूँ, डायरी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो खुर्रम जो है वो डायरी लेके आए, इन्होंने अपने ये वाली रखी है मोटी सी, इनको तो खैर काम है, इनको लिखना होता है बहुत कुछ,
लेकिन मेरा ये दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने इनको कहा मुझे ऐसी लाके दें, हालांकि मुझे तो कुछ भी नहीं लिखना एनीवेज, तो मतलब बहुत कम लिखना होता है, मुझे भी लिखना होता है लेकिन बहुत कम, और कभी कभी लिखना होता है। तो ये खुर्रम की डायरी है, ब्लैक है, ठीक है, इनको कहीं से मिली है 2020 की, और ये इसके पीछे क्या लिखे कॉलिंस लिखा हुआ है, कॉलिंस, और ये है ब्रांड न्यू बिल्कुल, लेकिन ये भी इनको कहीं से मिली है तो ये मेरे लिए ले आए हैं, क्योंकि इनको पता है मुझे डायरीज बहुत पसंद है। देखें कैसी है, कलरफुल सी है ना, तो ये मुझे पतली सी इन्होंने डायरी ला के दी है, लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, और इसका जो 2020 है ये थोड़ा सा वो हो रहा है, मोटा मोटा सा फोमी सा एम्बोज है, ये एम्बोज कलर से इस पर प्रिंट हुआ है, और ये कॉलिंस की जो है ये भी डायरी कॉलिंस की है, ठीक है, तो ये इस टाइप की डायरी है, इसके पेजेस बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और शेडेड हैं बहुत ज़्यादा, इस तरह की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है डायरीज, तो खुर्रम ने मुझे ला के दिया, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है डायरीज की, पता नहीं क्यों। और ये कौन सी डायरी है, ये मुझे भाई ने मेरे दी थी एक बार, भाई मतलब एक कभी भाई हमारा बहुत ख्याल किया करते थे, ये 2013 की है, और अब भाई क्या कहते हैं, भाई कहते हैं मैंने आप लोगों का बहुत कुछ कर दिया है। एनीवेज तो ये डायरी है, ये मुझे दी थी भाई ने 2013 में, इस पर कोई सन वन कुछ भी नहीं है, आप इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यूसली, जितने भी साल आपने यूज़ करना, ऊपर डेट का ऑप्शन दिया हुआ है, डेट डालिए और उसको यूज़ कीजिए। एनीवेज तो ये दी थी मैं, इसको यूज़ करती थी, और खुर्रम कह रहे हैं अब इसको यूज़ कर लो, ये इन्होंने लाके दी है, लेकिन पता नहीं क्यों डायरी रखे रखे मेरा दिल करता है कि बिल्कुल भी कुछ भी वन वर्ड भी नहीं लिखूं, और मेरी डायरी इस तरीके से साफ भी रह जाए। मेरी एक आंटी हैं, उन्होंने भी मुझे अभी कुछ अर्से पहले, तकरीबन 3 साल पहले मुझे भी उन्होंने भी डायरी दी थी, तो मेरे पास डायरीज की बहुत सारी कलेक्शन जमा हुई हुई है, कुछ मैं बाय कर लेती हूँ, कुछ कहीं से मिल जाती हैं, तो आंटी ने भी देखा कि मेरा स्टडी और उसमें लिखने पढ़ने की तरफ रुझान है, तो उन्होंने आंटी ने भी मुझे डायरी दी थी, वो भी रखी हुई है उसी तरीके से, वो भी बहुत ब्यूटीफुल थी, वो भी दिखाऊंगी किसी दिन आपको, तो ये भी बहुत अच्छी है, वो भी मस्ती को टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये दिखा दूँगी, और उस पर नाम लिख लेते हैं, और आपको पता है मैं राइटिंग के लिए ज़्यादातर पता नहीं क्यों पेंसिल यूज़ करना शुरू कर दी है मैंने, मुझे पेंसिल की जो अपनी राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, पेन से भी पसंद है, पेन से भी अच्छी लगती है, लेकिन आप पेन से जो है वो रब नहीं कर सकते, तो मेरा दिल चाहता है पेंसिल से लिखूँ ताकि वो रब हो जाए, मतलब जैसे हम कोई कुछ टाइपिंग करते हैं वो भी डिलीट हो जाती है, इस तरीके से बिल्कुल पेंसिल यूज़ करनी चाहिए ताकि आप उसको एरेज कर दो, बाद में आप लिखाओगे यहाँ से ये लिखा हुआ था, तो मैं इसको लिख के दिखाती हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे नेम लिख रही हूँ, अपना नेम यहाँ पे भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे नेम का ऑप्शन दिया है, 17 मैं नाम लिख रही हूँ, अब बस सिर्फ मेरी तरफ से प्लीज, क्यों पेन से क्यों लिखना है, अच्छा लगेगा ना पेन से, वहाँ कभी कभी ये मिट भी जाएगा आपकी, वो मैंने लिख दिया है अपना नेम, मनाहिल कह रही है पेन से लिखने, बेटा पेन मुझे पसंद ही नहीं है, मैं क्या करूँ बताओ, बाकी चीज़ें नहीं लिख सकती है। और इसमें कैलेंडर भी है 2021 का, ये देखिए आखिर में क्यों नाम लिखते हैं, 2021 का प्लानर भी है इसमें, ठीक है, आप अपने एक्सपेंसेस वगैरह भी इसमें लिख सकते हैं, हर मंथ के कौन से मंथ आपने कितना आपको एक्सपेंस हुआ है, अच्छा मां वो वाली डायरी मुझे दे दो, और नोट्स भी लिख सकते हैं वो पापा के बेटा, और ये नेम्स नोट कर सकते हैं जैसे नंबर्स होते हैं,
पहले बहुत ज़्यादा होता था ना, मैंने अपने फ्रेंड्स की भी नंबर, एक डायरी है मेरे पास उसमें लिखे हुए, लेकिन अब जो है इस तरीके से है न्यू, इसमें मेरे काम की चीज़ें लिखी हुई हैं, इसलिए ये नहीं दे सकती हूँ मैं या फिर कोई भी नहीं, आपको मैं ला के दूँगी। मछली का जो है ना, मछली के लिए शौक होना बहुत जरूरी है, शौक मछली का अच्छी बात है। मैं हमारे जबाव में साइन ले लो, हम जबाव बन जाएंगे।
हाँ जी, तो खाना खाने के बाद देखें क्या टाइम हो गया। खाना फिनिश करने के बाद ये टाइम हो रहा है 10:45 का। तो इनकी वजह से जो है ना, हमें सुबह जल्दी उठना होता है और अभी हमारे सोने का तकरीबन टाइम स्टार्ट हो चुका है। मनाहिल अपने किसी काम में बिज़ी है, आयान किसी अपने काम में बिज़ी है और इनको भी सुलाना है मुझे। और ये मेरे जो देख रहे हैं आप लोग, क्लोथ्स यहाँ पर रखे हुए सारे और तय लगा के मैंने यहाँ पर रखे, लेकिन मुझे कबर्ड ठीक करने का टाइम नहीं मिला आज भी। जो बॉल्स ना पानी से बड़ी हो जाती हैं ना, तो वो खुर्रम ने नीचे फेंक दी हैं और काम बढ़ा दिया है। अब यही साफ़ करेंगे, नीचे पानी भी पड़ा हुआ है, प्लीज़ साफ़ करो इसको। और जो है मतलब काम बढ़ गया है। एनीवेज तो वो असल में थक चुके हैं अब बहुत ज़्यादा। हाँ ठीक है, ये देखिए ये वाली पानी वाली बॉल होती है, ये इतनी छोटी क्यों रह गई? मम्मा मुझे नहीं पता, वो बहुत क्यूट है, ये बहुत क्यूट है। बड़ी क्यूट है ये बॉल। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अगर ना पसंद आए तो अनलाइक कर दीजिए, डोंट वरी। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिले। और क्या बोलना था, और ये बोलना था, अंटिल देन बाय।